आप देख रहे हैं लख गुरु कार्यक्रम। लख गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में कि जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आध्यात्मिक प्रगति कैसी रहेगी और आपकी मन स्थिति कैसी रहेगी, रोग और शत्रुओं से आज आप कैसे आपको छुटकारा मिलेगा, माता पिता की स्थिति क्या रहेगी, किस फील्ड में आज आपको नौकरी मिलने वाली है, आध्यात्मिक विकास क्या होगा, पत्नी के स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही साथ आज आपको नौकरी मिलने वाली है या कोई नया व्यापार करने वाले हैं या जमीन खरीदेंगे या प्रॉपर्टी रियल इस्टेट में किसी बड़े लेवल पर काम करने वाले हैं, आज आपके घर में किलकारी गूंजेगी या सहनाई बजेगी, ये सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि आज आपकी माली हालत कैसे सुदृढ़ होगी, कौन किससे आज आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है और आज आपको कैसे अपने को समाज में बचना है, ये सारी बात आज हम आपको बताएंगे। तो क्या क्या होने वाला है सब बात आज हम आपको बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको मान सम्मान मिलेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएँ हैं कार्य रूप में परिणत होते हुए दिख रहा है। अचानक यात्रा से मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है, रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन रही है, आपके पुराने मित्रों के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा, यदि आप जो भी महत्वाकांक्षाएँ रखेंगे, जो इमेजिनेशन होगा वह रियलिटी में बदलने का टाइम आ गया है, आपके विरोधी परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा और जो भी योजनाएं बनाएंगे, प्लान करेंगे, चाहे जितनी बड़ी है चाहे जितना कठिन कार्य हो, आज जिस भी क्षेत्र में हाथ रखेंगे, जिस पर प्रयास करेंगे, आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नकारात्मक विचारधारा आपके मन को विचलित कर सकता है, इसलिए नकारात्मक विचारधारा से दूर रहें, सकारात्मक जितना सोचेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा और आपको अध्यात्म के क्षेत्र में अगर आप लगते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, नॉवेल लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, कोई महाकाव्य लिखना चाहते हैं या कोई बहुत बड़ा फिल्म बनाना चाहते हैं, उसके लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है। आज आपके दिन उस दिन की शुरुआत कर सकते हैं, तो जो भी कार्य करेंगे उसमें बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रहा है। भाइयों से बहनों से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनमुटाव की स्थिति आ सकते हैं, घर परिवार में थोड़ी सी अंतरकलह होने की भी संभावना बन रही है। माता पिता का सुख मिलेगा, माता के आशीर्वाद से आज आप जमीन खरीद सकते हैं, कृषि योग्य भूमि खरीद सकते हैं और कृषि के क्षेत्र में आज अपना करियर भी बनाने के लिए सोच सकते हैं और आज आप जितना बड़ा जोखिम उठाएंगे उतनी बड़ी सफलता आज आपको मिलते हुए दिख रही है। और देश विदेश की यात्रा का भी योग बना, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने की भी संभावना बन रही है। यदि कोई भी बड़ा कार्य नया कार्य करने की अगर आपने प्लानिंग किया तो उसमें अगर कुछ सफलता मिलते हुए दिख रही, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। जब आपको सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करें और स्ट्रेंजर पर विश्वास न करें। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप क्या करना है कि आपको सिद्धि कुंज का स्त्रोत्र का पाठ करना है और आज आपके लिए शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है सफ़ेद। हरे कृष्णा।